हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के डेट में ये एक नोटिफिकेशन आया है वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन की तरफ से, जो कि इससे पहले 2-3 दिन पहले 36,000 टीचरों का अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया गया था। तो उसी से रिलेटेड आज ये पूरा लिस्ट आ गया है कि 2017 में जितने सारे नॉन ट्रेंड थे उन लोगों का पूरा नाम और कैटेगरी वाइज और उन लोगों का क्वालिफिकेशन के साथ लिस्ट आ चुका है कि ये लोग नॉन ट्रेंड कौन है। और 2-3 दिन पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया था कि 36,000 जो टीचर जो अनट्रेंड है, जो अभी अपॉइंटेड है स्कूल में वेस्ट बंगाल में, उन लोगों का रिक्रूटमेंट कैंसिल किया जाता है। तो उन लोगों का पूरा लिस्ट आ चुका है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ऊपर में लिखा हुआ है नॉन ट्रेंड लिस्ट ऑफ 2017 रिक्रूटमेंट, यानी 2017 में जो रिक्रूटमेंट हुआ था उसमें जितने कैंडिडेट, जितने टीचर्स जो नॉन ट्रेंड थे उन लोगों का लिस्ट है। तो जैसा कि देख सकते हैं, सबसे पहले नाम है, उसके बाद कैटेगरी, उनका एचएस में कितना मतलब मार्क्स मिला है, एमपी में, एचएस में ट्रेनिंग उन लोग नहीं है इसलिए सब ब्लैंक है, और टेट में कितना मार्क्स उन लोग को मिला है वाईवाई यानी इंटरव्यू में, एप्टीट्यूड टेस्ट में, और एक्स्ट्रा करिकुलर तो नहीं था उन लोगों का, और टोटल मिलाकर के स्कोर कितना है। बट ये लोग अभी वेस्ट बंगाल के प्राइमरी स्कूल्स में ये लोग अभी अपॉइंटेड है। तो इन्हीं लोगों के बारे में हाई कोर्ट ने ऑर्डर सुनाया था कि जो लोग नॉन ट्रेंड हैं उन लोगों को रिक्रूटमेंट को कैंसिल किया जाए। बट डब्ल्यू बी प्राइमरी बोर्ड आपको ये चैलेंज किया है डिवीजन बेंच में। तो अब देखा जाए क्या हो रहा, और ये बोर्ड की तरफ से आज ये पूरा लिस्ट आ गया है जो लोग अनट्रेंड थे। तो जैसे देख सकते हैं कि जो ट्रेनिंग का जो कॉलम है इसमें पूरा गैप है, यानी ये लोग ट्रेनिंग नहीं किए हैं, तो कैसे गवर्नमेंट इन लोगों को अपॉइंटमेंट दे दिया, प्राइमरी टीचर बना दिया। तो इसी से रिलेटेड ये पूरा एक नोटिफिकेशंस था। तो प्लीज़ आप लोग इसमें देख लीजिए, और किसी का अगर नाम हो तो कोरिलेट कर लीजिए उससे। बहुत सारे पैरा टीचर्स भी हैं और बहुत सारे, यानी इन लोगों का मार्क्स बहुत ही कम है, 20 से सबका, यानी ओवरऑल एग्रीगेट मार्क्स मिलाकर के 20 से भी मार्क्स कम है, और इसमें सभी कैटेगरी के हैं, जनरल हो, एसटीएससी, ओबीसी, सभी कैटेगरी के हैं, बट ये लोग सब अनट्रेंड हैं। तो इसमें से टोटल लास्ट देख सकते हैं टोटल 36,000 कैंडिडेट्स हैं, ओके 30,185, ओके 30,185 कैंडिडेट है जो कि अनट्रेंड है। तो ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था, प्लीज़ आप लोग इसको देख लीजिए और कोरिलेट कर लीजिए। और जो लोग अभी अपकमिंग जो है 2022 टेट का जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, वो लोग इंटरव्यू का प्रिपरेशन कीजिए। आप लोग इंटरव्यू में भी नेक्स्ट हो सकता है, और जो लोग 2017-14 वाले हैं जो बचे हुए हैं, जिनका इंटरव्यू हो चुका है, मे बी उन लोग का आने वाला 2-3 महीने के अंदर कुछ रिक्रूटमेंट हो। तो चलिए, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ था आज की वीडियो में, बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।